बार किया था, कॉलेज में 3 बार किया था, उसके बाद यहाँ किया था, शादी में 2 बार किया था। नमस्कार, आज हम राजकीय केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुरादाबाद सत्र 2023 के छात्र एवं छात्राएं कुछ शोध दिवस के मौके पर आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। पहला दृश्य, घर वाले सर्दी के मौसम में हाथ तापते हुए। अरे तुम्हारा हाथ जल के तुम्हें पता ही नहीं चला। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इससे दर्द भी नहीं होता, इसीलिए मैं सोची कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे सुनती हूँ ना, देखो इससे पता नहीं क्या। हाय राम बहू, ये क्या हो गया है तुम्हारे? तुम्हें पता नहीं चला? नहीं माँ जी, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अरे तुमने इसे दिखाया नहीं, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बहू को। जाओ जाके पगला वाली ज्ञानी चाची से पता करके आओ। चलो मैं दिखा के आता हूँ। अगला दृश्य, ज्ञानी चाची से बात करते हुए। नमस्ते चाची, क्या हाल है आपके? ठीक है बढ़िया बेटा, नमस्ते। और बताओ? आंटी आपको बताना था कि मेरी पत्नी को जनरोग हो गया है, ठीक है, और उसके फोड़े निकल आए हैं और उसके ठंडा गर्म का कुछ उसके महसूस ही नहीं होता है। हाय राम, ये तो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग। वो मगर वाली रमेश चाची थी ना, उनके बहू को भी यही हुआ था। तुम्हारी बहू को कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोगी है तुम्हारी बहू, कुष्ठ रोगी। अगला दृश्य, पति वापस घर पर आते हुए। अरे सुनती हूँ माँ, मैं तो बर्बाद हो गया माँ। क्या हो गया बेटा? अरे माँ, आज कुछ चल रोग है, कुछ रोग है, कुछ रोग। हाय राम, ये कुछ रोगी है। अरे इसे घर से बाहर निकालो, ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर देगी। हमारे आने वाले बच्चे कुछ रोगी पैदा होंगे। निकालो इसे, वरना सारे गाँव वाले हमें ताना मार मार के हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। निकालो इसे यहाँ से। अरे रुको जरा रुको, तुम्हें अरे रुको जरा रुको, तुम पास वाले गांव में तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके पास हर बीमारी का इलाज है। जी आप सही कह रहे हैं, इसे लेके चलते हैं, वो बाबा जरूर सही कर देंगे इसे। चलो भाऊ। अगला दृश्य, तांत्रिक के पास। प्रभु सब पूछ के बताता हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्तियों को दो और बताओ से क्या हुआ। इसके अंदर एक आत्मा घुस गई है, लो भगवान है प्रभु। ये पुड़िया दे रहा हूँ, इसे लगाओ और कल और परसों तक ये सही हो जाएगी। जा तेरा तेरी बहू सही हो जाएगी। अगला दृश्य, एक दिन बाद। अरे बहू कहाँ है? दिखाओ जरा, कैसे है तुम्हारा हाथ? हे भगवान, तुम्हारा तो सही ही हो रहा है, पता ही चला जा रहा है। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा ये कुछ रोग हमें भी लग जाए? जान दे दे अपनी। अरे सुनते हो, कहाँ हो जी बेटा? अरे इसे घर से बाहर निकालो। अरे माँ जी ऐसे मत करिए। ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ रोगी है, कुछ रोगी। अरे लेकिन इसका इलाज हो सकता है, तुम अपने डॉक्टर से संपर्क तो करो। जाओ बेटा इसे डॉक्टर के पास ही दिखा कर लाओ। जी माँ, मैं दिखा के आता हूँ डॉक्टर को। अगला दृश्य, अस्पताल। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को कुष्ठ रोग हो गया है। डॉक्टर साहब, आपको समस्या कब से हो रही है? कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है? ये तो कुष्ठ रोग के लक्षण है। क्या कुष्ठ रोग? अरे डॉक्टर साहब, यहाँ तो एक छूराछूत की बीमारी है, निकालो इसे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, इसका इलाज पूर्णतः संभव है। किसी प्रकार की परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सामान्य कांटेक्ट से नहीं फैलता, जैसे साथ बैठना उठना खाना पीना। ये तभी फैलता है जब आप किसी भी संग्रह तत्व के शरीर से निकले तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं, और इसका इलाज है WHO द्वारा एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी के तहत इसका इलाज पूर्णतः संभव है। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां डॉक्टर से बात करें और इस बीमारी से निजात पाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरा जीवन और मेरे परिवार भी चल रहा है।
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दृश्य, वापस घर में। अरे सुनती हो ना? हाँ बेटा। कुछ लोग के इलाज बिल्कुल सुन रहे हैं। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग चूहा चूत की बीमारी नहीं है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। अब हम सभी को बताएंगे, कब हम तुझे घर से भी नहीं निकालेंगे, सभी को बताएंगे कुछ लोग एक चूहा चूत की बीमारी नहीं है, उसका इलाज पूर्णतः संभव है। माफ कर दे मुझे बहू, चल चल चलते हैं। लेप्रोसी तथा कुष्ठ रोग एक सांचरिक बीमारी है जो एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। यह रोग सांधारिक नसों को प्रभावित करता है। यह स्किन, मांसपेशियों, हड्डियों